तो चलिए गाइस हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कीर्ति मेहरा के बारे में। तो कीर्ति मेहरा ने गाइस अपने गाड़ी को लेकर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और यहाँ पर गाइस इन्होंने ये भी कहा कि इससे मेरा काफी ज्यादा नुकसान हो गया। तो आखिर उन्होंने अपने गाड़ी को लेकर क्या कहे, आप लोग सबसे पहले इस वीडियो क्लिप में देखिए। कल धुलवाइए ये काली गाड़ी, लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बहुत जल्दी गंदी होती है यार। ये मैंने कल धुलवाई है ये। और आप लोगों को गाइस ये भी पता होगा कि इसकी गाड़ी का कोई नंबर प्लेट भी लेकर चला गया था, जिसके बारे में गाइस इन्होंने अगले स्टोरी में भी बात किया है। और यहाँ पर गाइस किसी ने पूछा कि आपने अभी तक अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं लगवाई है, जिस पर कीर्ति मेहरा ने ऊपर लिखा है कि आज आ जाएगा पक्का। बाकी आप लोगों का गाइस इस पर क्या कुछ रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। तो चलिएगा सब कीर्ति मेहरा की बात हो ही गई तो अब बात कर लेते हैं एल्विस यादव के बारे में। तो एल्विस यादव ने गाइस कुछ टाइम पहले अपने ब्लॉग वीडियो में बोला था कि मुझे शिवानी कुमारी की आवाज बिग बॉस हाउस में काफी ज्यादा चुभती है, और उस पर गाइस अभी शिवानी कुमारी का भी रिएक्शन सामने आया है। शिवानी कुमारी ने एल्विस यादव को रिप्लाई किया है, वेल आप लोग इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो। को मुद्दा बना हो जाते हो, अरे इसकी आवाज चुभती है कानों में, अरे ये ऐसा बोलती है, ऐसे गांव नहीं होते हैं लोग। हम बाहर निकल कर देखे, बहुत सारे लोग हमें बहुत ज्यादा प्यार दे रहे थे और कुछ लोग हमें हेट्स भी कर रहे थे। बहुत सारे लोग ना उल्टे सीधे वीडियो बनाए, अच्छे वीडियो बनाए उन्हें दिल से शुक्रिया, और गंदे वीडियो बनाए हैं वे लोग अब जान गए हैं कि शिवानी के लिए हमने गलत वीडियो बनाए थे। एक बार भैया हमें देखो, समझो, जानो, जो शिवानी का समझ ले हमेशा उसके दिल में बस जाते। सब मेरी आवाज के पीछे पड़े थे बिग बॉस में, सब मेरी आवाज के दीवाने।